महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुए 2 महीने के करीब हो चुके हैं, मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है और शिवसेना पर कब्जे को लेकर लड़ाई भी तेज हो चुकी है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े फैसले यानी शिवसेना से बगावत का बचाव किया है। शिंदे की ओर से ये भी साफ कह दिया गया है कि जो फैसला उन्हें 2.5 साल पहले ले लेना चाहिए था वो उन्होंने काफी देर बाद लिया। शिंदे ने ये भी साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की जनता की तरफ से बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को वोट मिला था, लिहाजा जनादेश का सम्मान होना जरूरी था। वैसे महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा नाटकीय मोड़ ये भी रहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद दिया गया, जो कि सपने में भी लोग नहीं सोच सकते थे, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल था। पहले तो फडणवीस सरकार में ही शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने डिप्टी का पद स्वीकार कर लिया। अब उस पूरे घटनाक्रम पर एकनाथ शिंदे ने बातचीत की है। उनका कहना है कि मैं खुद पहले इस बात को सुनकर हैरान रह गया कि फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद दिया जा रहा है, यानी उनको इस बात का अंदेशा ही नहीं था। मतलब जिस शख्स ने सीएम की कुर्सी संभाली हो उसे डिप्टी कैसे? ये सवाल बहुतों के मन के साथ एकनाथ शिंदे के मन में भी उस वक्त उमड़ा था जब फडणवीस ने सीएम के लिए मेरे नाम का ऐलान किया। मैं बहुत ज्यादा हैरान था, ऐसा एकनाथ शिंदे कहते हैं। वो खुश नजर आ रहे थे, लेकिन जब पार्टी ने उन्हें डिप्टी बनने के लिए कह दिया वे शुरुआत में कुछ असहज दिखे, जिसका अनुमान भी सभी को था। तब मैंने उनसे इस असहजता को लेकर बातचीत की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पार्टी का ऊपर से निर्देश है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे ने अब खुलकर ये स्वीकार कर लिया कि जब देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम पद ऑफर किया गया तो बेहद असहज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि पार्टी ने ऊपर से आदेश दिया है, इसलिए इस आदेश का पालन हमको करना ही होगा। फडणवीस के अलावा महाविकास अघाड़ी की सरकार पर भी सीएम शिंदे ने विस्तार से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही उस सरकार में शिवसेना विधायकों का कोई सम्मान ही नहीं था, उन्हें सम्मान ही नहीं दिया जा रहा था। वो कहते हैं कि उस सरकार के माध्यम से कुछ भी सही नहीं हो रहा था, हमारे विधायकों को काम करने के लिए भी फंड नहीं मिलते थे। कहने को हमारी पार्टी के सीएम थे, हमारी सरकार थी, लेकिन फिर भी कोई सम्मान हमें मिलता ही नहीं था। मैंने तो उद्धव ठाकरे को कहा था कि हमें उस पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहिए जिससे हमारी विचारधारा मिलती हो, लेकिन बात ही नहीं बन पाई, उद्धव ठाकरे माने ही नहीं। नतीजा क्या हुआ आज सबके सामने है। एकनाथ शिंदे ने यह भी साफ कर दिया है कि वो भविष्य में कभी भी कांग्रेस या एनसीपी से हाथ नहीं मिलाने वाले। वो कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे ने भी कहा था कि कांग्रेस से गठबंधन करने की बजाय वो अपनी दुकान को बंद करना बेहतर समझेंगे, दुकान बंद करना एक बेहतर विकल्प उनके लिए होगा अगर उनको कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ता है तो। शिंदे की माने तो उन्होंने सिर्फ बाला साहेब के विचारों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। सीएम ने यह भी कहा है कि वो जल्द ही अपने सभी विधायकों को अयोध्या लेकर जाएंगे। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि वो कोई राजनीतिक दौरा नहीं होगा, वे और उनके विधायक आस्था की वजह से दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि देवी देवताओं का अपमान किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, देवेंद्र फडणवीस को लेकर उन्होंने जो बातें कही हैं उसके अनुमान तो पहले से लगाए जा रहे थे कि वो बेहद असहज थे। जाहिर सी बात है, जिस शख्स को डिप्टी सीएम का पद अब मिला हो, जो पहले सीएम रह चुका हो और जिसके कंधे पर बीजेपी की पूरी राजनीति महाराष्ट्र पर टिकी हो, उसे डिप्टी सीएम का पद ऑफर करना उसे असहज करने वाला ही होगा, ये एकनाथ शिंदे मानते हैं। और एकनाथ शिंदे ने इसकी वजह भी पूछी थी, जब एकनाथ शिंदे को वो बेहद असहज दिखे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये निर्देश पार्टी आलाकमान से आया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।